श्रीकांत किदाबी वर्सेस सेन लक्ष्य, कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन मुझे करने हैं जो मैं बहुत टाइम से नहीं बता पा रहा हूँ। और देखो, श्रीकांत किदाम्बी एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने अपने टाइम इन द सेंस कि 5-6 साल अगर 2016-17 के आसपास ले लो, अच्छे खासा वो डोमिनेट करते थे इंडिया को। जब मैं एज अ प्लेयर बैडमिंटन में था, मैं इंडिया को श्रीकांत किदाम्बी से ही जानता था। देखो, टॉप क्लास प्लेयर हैं वो। अभी वो उनका बोल सकते हैं कि एक टाइम ऐसा है कि जहाँ पे एक टाइम के बाद आपका कुछ भी कर लो उस लेवल पे आप नहीं खेल पाते हो, तो वही चल रहा है। डिस्कशन उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है श्रीकांत किदाम्बी के बारे में इस वीडियो में। मेजोरिटी में डिस्कशन जो मैं करने वाला हूँ वो है सेन के रिलेटेड। देखो, 3-4 महीने पहले कनाडा ओपन था, जिसके बारे में मैं डिस्कशंस करूंगा। देखो, चीज़ क्या है, कनाडा ओपन के अंदर मैंने पूरा लाइव स्ट्रीम किया था। उसका सबसे बड़ा रीज़न ही मेरा ये था कि हमेशा से मैं देखता था कि ऐसे साइना नेहवाल थी, तो उनके बाद हम सबको पता था कि एक प्लेयर रेडी हो चुकी है वुमेन सिंगल्स में, जो है पीवी सिंधु। तो हमेशा हमें ये चीज़ पता थी, बट पीवी सिंधु के बाद कौन, कोई भी नहीं है। देखो, कोई भी एक ऐसा प्लेयर पूरा दिख ही नहीं रहा वुमेन सिंगल्स के अंदर जो आगे जाए। देखो, श्रीकांत किदाम्बी के बाद एक सेन लक्ष्य नाम का प्लेयर है जो हमेशा हमको दिखा। द लास्ट 4-5 साल देख लो, हमको लगा कि यार अब आगे बढ़ेगा। मतलब ये लग रहा था कि इनके अंदर है नेक्स्ट वुमेन सिंगल्स में आगे लेके जाने का। कैनेडा ओपन आया, उसके अंदर मैंने देखा कि यार किस लेवल का एग्रेशन और कितना बढ़िया तरीके से सेन लक्ष्य गेम प्ले खेल रहे हैं। मैंने पूरी की ली शी फेंग के सामने जो मैच थी फाइनल, पूरी लाइव स्ट्रीम की थी। उसके पहले भी पूरा कवर मेरा, पूरी रात जाग के कैनेडा ओपन कवर करने का मीनिंग ही ये था। मुझे पता था कि यार इंडिया को अब नेक्स्ट जो बोलते हैं ना कि प्लेयर मिल चुका है, सेन लक्ष्य ने खुद को प्रूव कर दिया है। वो तब जो भी उनका स्कोर हुआ, जो भी चीज़ें हुई थी, उसके बाद से लास्ट 6-7 महीने हो गए हैं कनाडा ओपन को। आपने कब देखा कि सेन लक्ष्य आपको उस लेवल पे खेलते हुए दिखा मिले? राउंड ऑफ 32 में हार रहे हैं, राउंड ऑफ 16 में हार रहे हैं, राउंड ऑफ 8 में हार रहे हैं, उसके आगे जा ही नहीं पा रहे हैं। एक दो बार पहुंच गए हो तो भाई वो मैं अगर भूल रहा हूं, और ऐसी चीज़ें याद भी कौन रखता है, एक दो बार अगर आप पहुंच गए हो तो। हार रहे हैं। 132 करोड़ इंडियन के अंदर है, मतलब इतने लोग हैं इंडिया में, एक प्लेयर मैन सिंगल्स का नहीं निकल पा रहा है। एक ऐसा प्लेयर नहीं है जो भाई मैन सिंगल्स में आगे लेके जा पाए। सेन लक्ष्य के बारे में चीज़ क्या होती है, मैं आपको क्लियरली एक एग्जांपल से ही बता दूंगा। आन सेंग 17-18 ईयर्स की थी जब उन्होंने वर्ल्ड जो बैडमिंटन है उनको डोमिनेट करना शुरू कर दिया था। इंटेनॉन, कैरेना मरीन, ऐसे प्लेयर को वो हराना शुरू कर चुकी थी। देखो, सेम चीज़ हमें सेन लक्ष्य के अंदर भी दिखती है। यंग एज से ही उन्होंने टॉप क्लास प्लेयर को हराना शुरू कर दिया था। इवन आपने उनकी कुछ रैली भी देखी होगी सेन लक्ष्य की, जिसके अंदर उन्होंने लिंडन को भी भाई भगाया है कोर्ट के अंदर। तो चांसेस हैं कि भाई इनके अंदर पूरी पोटेंशियल है, सारी चीज़ें हैं। क्यों हार रहे हैं? कुछ आप बोल सकते हो इंजरीज, तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं लगती इंजरी वाली चीज़। ऑफकोर्स इंजरीज बहुत ही खराब रोल प्ले करती है आपके करियर के अंदर, खुद को हो चुकी है तो मुझे पता है। बट क्या इंडिया के पास वो उस लेवल का फिजिकल है ही नहीं कि वो भाई कवर करके रहे इंजरी से बाद अगर आप वापस आ पाओ? है इंडिया के पास, कितनी भाई बड़ी बड़ी मैंने ऐसी चीज़ें देख रखी है। आपको जो चीज़, जैसे मैं अगर खुद का इंजरी लेग के अंदर मेरा ट्विस्ट हो गया, खुद को मैं करवाने जाऊँ, 1-2 महीने लग जाएगा। वही चीज़ ये लोग 10-15-20 दिन के अंदर भी करवा देते हैं भाई। पूरी नेशनल टीम होती है जिनका, अलग फिजियो होता है, सब कुछ होती है। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या सेन लक्ष्य जो नेक्स्ट पर्सन है, वही चीज़ पे आ जाती है कि 132 करोड़ के अंदर से एक मैन सिंगल्स नहीं निकल पा रहा है जिसको हम देखें। इवन इस बार वो पेरेंट्स जो वर्ल्ड टूर फाइनल्स थे उसके अंदर भी नहीं थे। आप सोच रहे हो ये चीज़, मुझे एज इंडिया का प्लेयर, जो मैं प्लेयर रह चुका हूँ तो मुझे तो पूरा कनेक्ट होता है। बट मैं कॉमन प्लेयर्स को भी जाके देखता हूँ ना कि जो नए बिगनर्स है वो सब है, वो लोग भी बोलते हैं कि सर इंडिया में से कौन है जो ऐसे टॉप क्लास मतलब जा रहा है। हर सब लोग देखते हैं कि यार विक्टर एक्सेलसन इतना ऊपर है, ये है वो है, सारे अलग अलग प्लेयर्स के नाम होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि यार हमें जो है ना, वो हमारा एक प्लेयर है जो मलेशिया का प्लेयर है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। तो ऐसे प्लेयर्स के नाम बोलते हैं कि यार जो इंडिया के नहीं है। वो लोग का क्वेश्चन मुझे एज अ कोच था, तब मुझे भी वो आके पूछते थे कि सर इंडिया से कौन है ऐसा कि जो भाई हमें ये ला के देगा टॉप क्लास ये जाए। पर मेरे अंदर एक क्वेश्चन हमेशा था कि यार सेन लक्ष्य आगे जाएंगे आएंगे, बट लास्ट 6-7 महीने देख लो, उनकी करियर की चीज़ें देख लो, वो उस लेवल पर कर ही नहीं पा रहे हैं वो चीज़। देखो, क्रिटिज्म मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, मेरे ओपिनियंस दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो ये नहीं कर सकते। पूरी 10% के पास पोटेंशियल है, ये किसी भी प्लेयर को हरा सकते हैं। बट आपने एक चीज़ देखी होगी, मैं सिंपल एग्जांपल से बताऊंगा। कनाडा ओपन के फाइनल में जिस एग्रेशन से, जैसी स्मैशेस, पावरफुल स्मैशेस सेन लक्ष्य ने मारी थी, ली शी फेंग उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। देखो क्लियरली, तो
तब उनको क्लियरली ये चीज़ आइडिया आ गई थी कि ये उनका एग्रेसिव गेम प्ले ही है जो उनको आगे जाके ले जा सकता है, आगे जाके हमें भी देखने में ऐसा ऑडियंस मजा आ रहा था कि यार इंडिया से एज अ डोमिनेंट प्लेयर निकला है कोई। बट उसके बाद आपने कितने मैचेस देखे जिसके अंदर वो डोमिनेंट की तरीके से खेल रहे हैं, उसके बाद वो रेलीज खेल रहे हैं। यार आपको जैसे मैं प्लेयर था, मुझे एक डेढ़ साल दो साल के ऊपर ये चीज़ लग गई कि मेरी गेम प्ले क्या थी। मुझे पता था कि मैं एग्रेसिव स्टार्टिंग से मैं रेलीज में ज़्यादा एंगेज करता था और ये सब करता था, बट एक टाइम के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं एग्रेसिव प्लेयर हूँ, तो मैंने वो चेंजेस किए। तो रिलीज तो खेलता ही था बट चेंजेस किए, यहाँ पे उन्होंने एग्रेशन को ही डाउन कर दिया। यहाँ पे ऑफ कोर्स उनके नेगेटिव्स जा रहे थे एग्रेशन की वजह से, बट उनको वो नेगेटिव्स को कवर करके, जैसे वो शॉर्ट स्मैशेस मार रहे थे ना, तो वो कोर्ट के बाहर जा रही थी, ठीक है, तो उन्होंने स्मैशेस मारना ही बंद कर दिया। यार उसको कंट्रोल करना होता है वो चीज़ों पर। मैं क्रिटिसिज्म यहाँ पे दे रहा हूँ, बिल्कुल भी ये नहीं बता रहा कि उनको आता होगा नहीं आता होगा, मेरे से लाखों गुना ज़्यादा अच्छे प्लेयर है मेरे भाई। या सैन लक्ष्य की बात कर रहा हूँ, इंडिया के बोल सकते हैं ना कि एक आगे का जो बैडमिंटन है उनको लेके जाने वाले ही प्लेयर सैन लक्ष्य है। तो यहीं पे छोटी छोटी चीज़ें थी। तो क्या मैं श्रीकांत के बाद सैन लक्ष्य को देखता हूँ? हाँ, पिछले 4-5 साल से मैं बहुत बढ़िया तरीके से देख रहा था कि यार सैन लक्ष्य लेके जाएंगे बैडमिंटन को। बट अगर मैं बोलना चाहूँ कि ये ओलंपिक्स में कुछ करने वाले हैं, वो मुझे नहीं लगता अभी होने वाला है। टॉप क्लास प्लेयर उनके अलावा भी बहुत सारे हैं। क्या लगता है कि 2027 या उसके बाद का जो ओलंपिक्स आने वाला है उसके अंदर इंडिया से होगा? कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि सैन लक्ष्य के बाद भी जो प्रियांशु रजावत है उनके बारे में मैंने देखा था कि यार उनकी गेम प्ले पर बहुत ज़्यादा उनके बारे में तारीफ हुई थी। मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि यार प्रियांशु रजावत की गेम प्ले के बारे में ब्रेक डाउन करो, उनके बारे में बताओ चीज़ें। उनकी गेम प्ले देखी, मुझे इंप्रेसिव लगी यार कि एक एग्रेसिव प्लेयर ये भी है, अच्छा खासा गेम खेलते हैं ये। तो प्रियांशु रजावत के पास भी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी गेम प्ले थी। बट क्या हुआ, लास्ट 3-4 महीने से उनके गेम प्ले देखो, वो हर एक मैचेस में, हर टूर्नामेंट में राउंड ऑफ 32, राउंड ऑफ 16 में जाके हार रहे हैं। ये चीज़ क्या कर रही है? जैसे मैं ये अभी तो ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट मैं अभी नहीं बोल सकता क्योंकि उस लेवल पर मैं भी नहीं पहुँचा हूँ, तो क्या मैं डायरेक्ट उनको कॉल आउट करूँ? बट क्या एज ए नेशनल टीम या फिर इस पे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि एज ए ऑडियंस, एज ए इंडियन सिटीजन जो हम एज ए स्पोर्ट बैडमिंटन को देख रहे हैं, तो वो आगे बढ़ने के लिए कोई प्लेयर को तो ऐसा लेके आए कि जो टॉप क्लास खेल रहा है? इतने ज़्यादा प्लेयर्स हैं इंडिया में। जब मैं नेशनल खेलने जाता था यार 1500 प्लेयर्स आते थे, उसमें से ऐसे टॉप क्लास के प्लेयर्स मैंने देख रखे हैं, क्या वो आगे नहीं जा सकते? क्या मैं खुद के स्टेट्स में देख रखे, क्या वो लोग आगे नहीं जा सकते? कुछ लोग मुझे लिटरली कमेंट करके बोलते हैं कि यार मुझे पॉलिटिक्स की वजह से मुझे आगे जाने नहीं मिला, ये हुआ वो हुआ, हज़ारों चीज़ें मुझे लिख के भेजते हैं। तो क्या हमारे पास ये 3-4 ही प्लेयर है? चाइना के पास देखो, शी यूची है, लू गुआंगजू है, ली शी फेंग है, 4-5 प्लेयर्स तो मैं ऐसे ही गिना लूँ जो उनके मैन सिंगल्स के हैं, जो टॉप 10 टॉप 20 के अंदर है, गिन लो। ऐसे कोई भी प्लेयर नहीं है जो उससे आगे हो। तो हमारे पास कितने टॉप 20 के अंदर? एक सैन लक्ष्य है जो वो भी वैसे भी 16-17 के पास जा चुके हैं, एक प्रणव एचएस है जो उनके बोल सकते हैं कि करियर के लास्ट 4-5 साल बोल सकते हैं कि मैक्स टू मैक्स 3-4 साल, उसके बाद शायद, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी भी चाहता हूँ प्रणव एचएस बहुत ज़्यादा खेले, 40-50 तक खेले, बट चीज़ कितना वो ज़्यादा बैडमिंटन को दे पाएंगे। वो 8th रैंक पे दो प्लेयर, जब वो भी उसमें से भी प्रणव एचएस है, वो वर्ल्ड टूर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उन्होंने ज्यादा टूर्नामेंट्स खेली ही नहीं इस साल की। ज्यादा टूर्नामेंट्स खेलेंगे तब उनके पास पॉइंट्स बनेंगे ना वर्ल्ड टूर फाइनल्स में खेलने के लिए, हुआ ही नहीं। तो सेम चीज है कि वर्ल्ड टूर फाइनल्स हुए, उसमें हमारा इंडियन प्लेयर ही नहीं है। कहाँ है भाई, 3-4 लोग नहीं मिल रहे इतने सारे लोगों में से? मैंने खुद को इतने टॉप क्लास प्लेयर मैंने ऐसे देख रखे हैं, क्या उनमें से कोई भी नहीं आ सकता? आ सकता है, बट चीज़ कहाँ पे अटक रही है मैं डायरेक्ट वो चीज़ें नहीं बोल सकता। आप समझ गए हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। बट क्या मुझे लग रहा है कि सैन लक्ष्य फिर से वापस नहीं आ पाएंगे? आएंगे, वो ज़रूर आएंगे। पेरिस ओलंपिक्स है, उससे पहले जैसे मलेशिया ओपन है अभी 9-10 तारीख के आसपास, उसके बाद भी जितनी भी टूर्नामेंट्स आ रही है, क्या उसके अंदर वो अपना टॉप क्लास गेम प्ले दिखा सकते हैं? मैं कुछ भी नहीं बोल सकता यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मैंने जो बोलते हैं ना कि होप्स जो सैन लक्ष्य के पास मेरे कैनेडा ओपन के आसपास बन गए थे ना, कि यार मुझे जो प्लेयर देखना था वो आ चुका है। ऑफकोर्स मैं बहुत ज़्यादा बोल सकता हूँ ना इमोशनल पर्सन हूँ बैडमिंटन के रिलेटेड, तो मुझे लगा कि यार नेक्स्ट पर्सन आ चुका है इंडिया के लिए। बट उसके बाद क्या हुआ, लास्ट 4-5 महीने के सैन लक्ष्य के जाके मैचेस देख लो, वो वही रैली खेल रहे हैं। यार उनका एग्रेसिव गेम प्ले, वो रैली खेल रहे हैं, ये मेरा टोटली क्रिटिसिज्म है। मैं बिल्कुल भी नहीं बता रहा कि उनको ऐसे खेलना चाहिए वैसे खेलना चाहिए। तो यही चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन सी चीज़ें आपको सैन लक्ष्य या फिर इंडियन बैडमिंटन जब आप देखते हो तो आपको कौन सी चीज़ें अड़ती है या फिर चीज़ें? मुझे कमेंट में आता है तो मुझे तो ये चीज़ पता ही, मुझे इवन मैसेज करके भी लोग बोलते हैं कि यार सर जैसे हमें पता था कि सैन लक्ष्य, जैसे हमारे साइना नेहवाल है तो वो ब्रॉन्ज लेके आई थी, उनके बाद हमें पता था कि यार एक नेक्स्ट प्लेयर रेडी हो चुकी है पीवी सिंधु।
क्या उसके बाद हमें बैकअप में तीन चार और प्लेयर्स नहीं होने चाहिए? पीवी सिंधु के बाद वुमेन सिंगल्स तो खत्म ही है। कौन है वुमेन सिंगल्स में? कोई भी नहीं है, कोई भी प्रॉमिसिंग प्लेयर लग ही नहीं रहा है। आंसेंग को देखो, 21-22 साल की उम्र में वर्ल्ड नंबर वन बन चुकी है, सारे टॉप क्लास प्लेयर को हरा चुकी है। क्या हमारे पास कोई भी ऐसे प्लेयर नहीं है? है, कहीं पर ना कहीं ज़रूर है, बट उनको मौका मिल रहा है? मुझे नहीं पता। आपको मैं क्या बोलना चाहता हूँ क्या नहीं, अगर वो चीज़ें समझ आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सैन लक्ष्य के बारे में आप क्या सोचते हो, उनके गेम प्ले के बारे में क्या सोचते हो, आप क्या सोचते हो कि सैन लक्ष्य आगे पेरिस ओलंपिक्स में हमारे लिए गोल्ड मेडल लेके आएंगे? मुझे लग रहा है कि हाँ, इंडिया है उनकी तरफ से, इंडिया की तरफ से दो ही अभी तो मुझे लग रहे हैं वो लेके आ सकते हैं, बट उनका एग्रेसिव गेम प्ले वापस आ जाए तो ही ये चीज़ हो सकती है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। कमेंट बॉक्स में सारे आपके जितने भी व्यूज़ है लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कौन से वीडियोस के और कौन से प्लेयर्स के आपको ब्रेकडाउन मैचेस चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।